बेगूसराय में पुलिस अपनी चुस्ती का दावा करते नहीं थकती, बावजूद इसके शहरों में चोरों का आतंक लगातार जारी है। दरअसल बेखौफ चोरों ने बीती देर रात नगर थाना क्षेत्र के दो अलग अलग क्षेत्रों में चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें लाखों की नकदी सहित कई महंगे सामान ले उड़े। पहली घटना नगर थाना क्षेत्र के सहजानंद नगर की है, जहां अरविंद कुमार के घर में चोरों ने 12 भर जेवरात ले उड़े, जिसमें 2 किलो चांदी के गहने भी शामिल हैं। घटना के संबंध में अरविंद कुमार ने बताया कि वो अपने संबंधी के यहां गृह प्रवेश में गए हुए थे। घर में ताले लगे हुए थे, जिसका फायदा उठाते हुए चोरों ने घर के ताले तोड़कर घर के अंदर 2 कमरों में जमकर चोरी की। इस क्रम में चोरों ने कमरे में स्थित गोदरेज के लॉकर को तोड़कर सारे गहने ले उड़े, साथ ही दीवान के अंदर रखे गए महंगे सामानों पर भी हाथ साफ कर लिया। वहीं दूसरी घटना नगर थाना क्षेत्र के महमदपुर की है, जहां एक कुरियर दुकान का शटर उखाड़कर लॉकर तोड़ दिया और करीब 1.5 लाख रुपये सहित कई महंगे सामान जब्त हो गए। पीड़ित लोगों ने उक्त घटना की सूचना नगर थाने को दी। पुलिस घटना पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गई है। बताते चले कि पिछले कई दिनों में कई घरों में चोरों ने अपना निशाना बनाया है, लेकिन पुलिस उसके सामने बौनी साबित हो गई है। अभी तक एक भी पुलिस के द्वारा चोरी का घटना को उद्भेदन नहीं कर पाई है। बेगूसराय टुडे के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। पता चला 9 बजे के लगभग कि आपके घर में ताला बिल्कुल टूटा हुआ है, तब उसके बाद हम वहाँ से फिर चले, फिर आने के बाद हम यहाँ 4 बजे पहुँचे हैं तो देखते हैं घर में पूरे सामान अस्त व्यस्त पूरा एकदम जितना था, गोदरेज सारा टूटा हुआ था, पेटी का ताला टूटा हुआ था, और क्या कहते हैं बक्सा जो था, फिर जो बेड था उसका सारा सामान निकाल करके पूरे फेंका हुआ था सारा एक एक सामान। और चोरी हुआ उसके बाद देखे तो जेवर जितना था, जेवरात था, वो सारा जेवरात चांदी वो सारा चीज़ मेरा कुछ नहीं बचा, सारा 12 भर जेवर था, 2 किलो चांदी होगा।